फ्रेंड, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर किसी को कहीं पे घाव लग जाता है, अगर उसकी जख्म ठीक नहीं हो रहे हैं, घाव भर नहीं रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा हम टेबलेट, कौन सा कैप्सूल, कौन सा मल्टीविटामिन, कौन सा इंजेक्शन और कौन सा ऑइंटमेंट हमें यूज करना चाहिए, इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नेटफ्लिक्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले जो टेबलेट आता है, ये हमारा कैप्सूल के फॉर्म में आता है, ठीक है, मॉक्सीकाइंड CV650 के नाम से हमारा ये मार्केट में आता है, बहुत ही पॉपुलर है, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें जो हमारा सॉल्ट आता है, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट आता है, अकॉर्डिंग टू IP, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, अगर किसी की घाव सूख नहीं रही है, उस घाव को सुखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जख्म को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके डोजेस की बारे में बात करते हैं, तो यह हमारा जो टेबलेट होता है 650 mg का आता है, तो इसको आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम, ठीक है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो आप इस अगर टेबलेट को लेते हैं, तो आपको वोमिटिंग मतलब उल्टी हो सकती है, ठीक है, डायरिया मतलब दस्त तो हो सकता है, ठीक है। तीसरा कि इन जो स्किन है, स्किन में इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपके नाखूनों में इन्फेक्शन हो सकते हैं, और जो आपका डाइजेशन है वह इम्प्रॉपर हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पे जो दूसरा हमारा टेबलेट आता है, वह हमारा प्लूमोसेप 500 के नाम से आता है, इस तरीके से मार्केट में आता है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं, तो यह भी जो हमारा टेबलेट है, यह घाव को सुखाने के लिए, जख्म को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड, तो यह हमारी जो टेबलेट है, यह 500 mg की आती है, तो इसको आपको दिन में 2 बार लेना रहता है। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, ठीक है। तो अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका साइड इफेक्ट यही है कि अगर आप इस टेबलेट को लेते हैं, तो थोड़ा हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, डाइजीनेस मतलब चक्कर थोड़ा आ सकता है, जो स्टमक आपका पेट है वह थोड़ा अपसेट हो सकता है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। अब बात करते हैं अगला जो हमारा यहाँ पे मेडिसिन आता है, वह हमारा सेफाडेक्स के नाम से आता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारी मेडिसिन है, ये हमारे सेफाडेक्स 500 के नाम से आता है। अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल जो होता है घाव को सुखाने में और जख्म को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं मार्केट में आती है। इसके डोजेज के बारे में बात करते हैं, तो यह हमारी जो टेबलेट 500 mg की आती है, इसको आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, अगर आप इस टेबलेट को लेते हैं, तो आपको नौजिया मतलब थोड़ा जी में चला सकता है, वॉमिटिंग मतलब उल्टी हो सकती है, स्टमक मतलब पेट में दर्द हो सकता है, और स्किन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे चकत्ते पड़ सकते हैं, सारे साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट मेडिसिन यहाँ पे आता है, वह हमारा जेडोसेफ CV200 के नाम से हमारे मार्केट में आता है, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल जो होता है घाव को सुखाने में किया जाता है और जख्म को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह हमारी जो टेबलेट है, यह हमारी 200 mg की आती है, तो इसको आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, डायरिया मतलब दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द, ठीक है, पेट में दर्द हो सकता है, नौजिया वोमिटिंग मतलब उल्टी हो सकती है, थोड़ा जी मचला सकता है, ये सारे इसके साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट मेडिसिन आती है, ये हमारी सिफेक्स 200 के नाम से आती है, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल जो होता है घाव को सुखाने में, जख्म को ठीक करने में किया जाता है। यह जो अगर इसके डोजेज के बारे में बात करते हैं, तो यह हमारी जो टेबलेट है, यह 200 mg की आती है, तो इसका आप इस्तेमाल जो होता है दिन में 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें जो सॉल्ट पाया जाता है, ये हमारा सिफेक्सिम होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IP इंडियन फार्माकोपिया के। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा चेस्ट में मतलब सीने में थोड़ा दर्द हो सकता है, डायरिया मतलब दस्त हो सकता है, नौजिया मतलब हो सकता है, जी में चला सकता है, आपकी वोमिटिंग मतलब उल्टी हो सकती है, सारे इसके साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है मेडिसिन, या हमारी मल्टी विटामिन। अगर आपको घाव लगा है, आपके जख्म ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप उसके लिए आप एक मल्टी विटामिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है चिनको वेट, बहुत ही पॉपुलर हमारा यह है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो घाव को सुखाने और जख्म को ठीक करने में किया जाता है, ठीक है। तो इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं, तो इसको दिन में 1 बार लेना चाहिए, OD का मतलब होता है दिन में 1 बार लेना। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, थोड़े एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं बॉडी में, नॉजिया वोमिटिंग हो सकती है, ये सारी चीजें इसके हैं।
अब बात करते हैं जो हमारा अगला, कौन सा इंजेक्शन आप लेंगे अगर आपको कहीं पे घाव सूख नहीं रही, घाव जो आपकी चोट लगी है वह भर नहीं रही, तो उसके लिए कौन सा इंजेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इंजेक्शन मैं प्रेफर करूंगा जेंटामाइसिन इंजेक्शन, बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक हमारा इंजेक्शन है। इसके डोजेज के बारे में बात करते हैं, 3 से 5 mg आप जो है पर डे ले सकते हैं। मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट है अगर उसका वेट जो है 60 के जी है तो वह 5 mg एक दिन में ले सकता है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, मतलब पेट में थोड़ी मरोड़ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है। थोड़ा एजिटेशन हो सकता है, जो बैक पेन हो सकता है, मतलब पीठ उठ में थोड़ा दर्द हो सकता है, जो स्टूल है थोड़ी जो लैटरिंग है आपकी थोड़ी टाइट होगी, थोड़े कालेपन उसमें रहेगा, ठीक है। ये सारे साइड इफेक्ट है, थोड़ी यूरिन में ब्लड भी आ सकते हैं और थोड़ा ब्लर विजन भी होगा, मतलब कि थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगेगा। ये सारे ऐसे साइड इफेक्ट हैं। अब बात करते हैं जो हमारा अगला इंजेक्शन मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे एमिकासिन के बारे में। अगर वो इंजेक्शन आप नहीं ले रहे हैं तो उसकी जगह पे ये इंजेक्शन आप पेशेंट को प्रेफर कर सकते हैं। डोजेज के बारे में बात करते हैं तो 15 mg आप पर डे इसको दे सकते हैं। मतलब कि अगर किसी भी पेशेंट का वेट जो है 60 kg है तो आप 15 mg उसको एक दिन में दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आता है इंजेक्शन। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो एजिटेशन हो सकता है, थोड़ा जो स्टूल है ठीक है जिसको लैटरिन बोलते हैं, लैटरिन थोड़ी क्या हो टाइट हो सकती है, काली पड़ सकती हो, थोड़ा यूरिन जो होती है क्लाउडी कलर की आएगा, ठीक है, उसमें थोड़ा ब्लड जैसा दिखेगा, ठीक है। थोड़ी जो आपकी लिप्स है ठीक है, लिप्स में थोड़ी ब्लेश ब्लेश दिखेगा, स्किन स्किन थोड़ी मतलब कि उबड़ खाबड़ दिखने लगेगी, थोड़ा मतलब कि उसमें क्या सूखापन आ जाता है जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। बर्निंग फील होता है, चेस्ट पेन होने लगता है, सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। अब बात करते हैं अगला जो हमारा यहाँ पे इंजेक्शन मैं प्रीफर करूंगा मोनोसेक्को, बहुत ही पॉपुलर हमारा एक तरीका कि ये हमारा एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो इसके अगर डोजेस की बात करते हैं तो आप जो है मैक्सिमम 4 mg पर डे इसको दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी पेशेंट को, ठीक है। इसमें जो शॉर्ट आता है सिफेटैक्सोन आता है, ठीक है, आपने इसको देखा ही होगा मार्केट में। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, स्किन में थोड़ी रैशेस हो सकती है, डायरिया हो सकती है, नोजिया हो सकती है, और जो स्टूल है टाइट हो सकते हैं, और वोमिटिंग, ये सारी चीजें इसमें हो सकता है। हमारा जो यहाँ पे कौन सा हमें ऑइंटमेंट यूज करना चाहिए अगर घाव हमें कहीं लग गई है, हमारी घाव ठीक नहीं हो रही, तो आप उसके लिए दो ऑइंटमेंट मैं प्रेफर करूंगा, जैसे बीटाडीन पहला हो गया, दूसरा हमारा सिप्लाडीन, दोनों एक ही है काम, दोनों एक ही करता है, क्योंकि दोनों में हमारा होता है पोवीडीन आयोडीन, जो हमारा साल्ट पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, तो दोनों बहुत ही अच्छी मानी जाती है, एक तरीके की हमारी एंटीसेप्टिक है। तो आप पोवीडीन आयोडीन और सिप्लाडीन का यूज कर सकते हैं घाव को भरने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा, और चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।